लगता है सागर जिले से गुजरने वाले हाईवे को लुटेरों ने अपना ठिकाना बना लिया है। यहां हाईवे से गुजरने वाले ट्रकों पर इनकी बुरी नजर है। जहां पिछले दिनों सागर जिले के बांद्री थाना क्षेत्र से करीब 12 करोड़ के एप्पल कंपनी के मोबाइल ट्रक से चुरा ले गए थे। ये घटना नेशनल हाईवे 44 पर अंजाम दिया गया था। वहीं अब एक बार फिर बहेरिया थाना इलाके में इसी नेशनल हाईवे 44 पर ट्रक में चोरी की वारदात सामने आई है। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। इस बार चोर ट्रक में भरी लेड की प्लेटें लेकर भागे हैं। वारदात सामने आते ही ट्रक ड्राइवर ने बहेरिया थाने पहुंचकर शिकायत की है। शिकायत पर पुलिस ने जांच करते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में लिया है। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं। NH 44 11 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कश्मीर के श्रीनगर से निकलता है, इसके बाद पंजाब, हरियाणा से होकर दिल्ली और फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, जहां से राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजरता है और कर्नाटक को पार करता हुआ तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक जाता है। देश के सबसे लंबे हाईवे पर इस तरह ट्रकों में हो रही बड़ी वारदातें बता रही हैं कि हाईवे के लुटेरों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। ये लुटेरे गैंग बनाकर न सिर्फ ट्रकों की रेखी करते हैं, बल्कि लंबे समय तक उसका पीछा करने के बाद घटना को शातिराना अंदाज में अंजाम भी देते हैं। स्वरोजगार अब आपके द्वार, अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। पेपर डिस्पोजल उद्योग, मिल्क प्रोसेसिंग उद्योग, कुरकुरे चिप्स उद्योग, मसाला उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, बेकरी उद्योग, कटीले तार उद्योग, नमकीन उद्योग, फ्लोर मिल, आटा चक्की, पापड़ उद्योग, कील उद्योग, पशु आहार उद्योग, तेल उद्योग, राइस मिल। हमारा पता है चमेली चौक स्कूल के पीछे, शंकर वार्ड, सागर। 9893212448, 9516239221, 7400849380, 8959991015।